And we are come here today in respect of late Nabum Lingdo. As you all know, who was brutally murdered on 21st of this month at Nirjuli. Before going in details, on behalf of the entire Nabum family, I thanks the police department under the guidance of SP Capital Jimmy Chiram, who arrested the accused person in a short time. But at the same time, Amara jo police personnel ko headed by SP Jimmy Chiram sir, entire family of late Nabum Lingdo was in shock, in trauma. हम लोग का पास कुछ शब्द नहीं था बोलने के लिए, कुछ करने के लिए. हमारा दिमाग मतलब ऑलमोस्ट हमारा बंद, सोच विचार पूरा दिल दिमाग बंद में था. सुनने में आया कल्प्रित को जो मर्डरर को अरेस्ट किया वो क्या मैं सुनने में आया. देन 23 को मैंने ऐसे सोशल मीडिया में उसका फ्रेश स्टेटमेंट देखा. वी आर कंप्लीटली शॉक्ड. एसपी सर का जो स्टेटमेंट को हमारा बिलव्ड ब्रदर लेट Nabum Lingdo का जो केस को लेकर के केस सॉल्व हो गया, ये हो गया, जो स्टेटमेंट दिया ना, वी वेर कम्प्लीटली शॉक्ड बाय ये अवतार पूरा देखने के बाद में. शॉक इसलिए हुआ हमारा जो डिसीज फैमिली से मैंने उस समय में ना FIR दिया, ना पुलिस को रिपोर्ट किया, कुछ नहीं किया. और उन्होंने चलो कहीं दूसरा तरफ और एंगल से इंफॉर्मेशन मिला, केस को आप मेटेरलाइज किया कर रहा है. हमारा सोच है ताकि बिफोर गोइंग इन द पब्लिक डोमेन, पुलिस डिपार्टमेंट को आज तक अभी तक ना डिसीज फैमिली का ना माँ पिताजी को कभी बातचीत हुआ, पूछताछ किया ना. ये एक माने प्यार मुहब्बत का रिलेटेड केस है ना. लड़की फैमिली को कभी पुलिस डिपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्वायरी कभी पूछताछ किया, माने विदाउट आस्किंग और इंक्वायरिंग द डिटेल्स वो मीडिया में आकर के पूरा बता दिया कि ऐसे ऐसे हो गया, विच इज रियली माने टच the heart of the entire members of the Nabum family. हमको थोड़ा दुख लगा एस पी साहब का जो स्टेटमेंट को, मैंने चीज़ को जान करके पूरा हमारा कंसेस को लेकर के, क्योंकि उसमें इसलिए कि उस कल्पित मर्डर इशू में तीन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है. एक Nabum family है, दूसरा तवा family है, तीसरा लड़की का एक चरा family. तीन family का इन्वॉल्वमेंट है ना. वो तवा फैमिली का पेरेंट्स को, मर्डरर का पेरेंट्स को कभी पूछताछ किया कहानी क्या है, ना Nabum फैमिली को कभी पूछताछ किया कहानी क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस मर्डर. एंड चरा फैमिली को कभी पूछताछ किया, कभी किसी को पूछा नहीं है. तो एक उनमें से एक करके एक लड़की, वो एज पर द पुलिस स्टेटमेंट वो तवा संजय का गर्लफ्रेंड था, उसका एक ही बात को लेकर के वो चला गया. एंड नाउ वी आर वेरी मच डाउट एंड Nabum फैमिली, Nabum क्लान इज टुडे वेरी मच डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ दैट लेडी ऑल्सो. वी आर ऑन डाउट, क्या जाने वो दोनों मिलकर के भी किया है, ये भी हो सकता है. और उसका स्टेटमेंट जो कहाँ तक सही है गलत है वो भी इंक्वायरी पूछताछ कर लेना चाहिए. हाँ, इसलिए कभी वो नहीं पूछा टू क्लियरिफाई डिटेल में, वो उसको क्लियरिफाई करने के लिए. ये एक
मैंने अनफॉर्चुनेट थिंग है जो उस प्रकार से जो पुलिस डिपार्टमेंट से हम लोग को सुनने में मिला, ये हमारा एक ये है। बट एट ऑल जो भी आज आई अप्रिशिएट जो आज कल्प्रित को पकड़ा है अंदर में है, हम उसको लिए हम थैंक्स देता हूँ। एट द सेम टाइम लड़की का ऊपर हम दावत किस लिए है, उसका तबा संजय का गर्लफ्रेंड जो उसका ऊपर में दावत किस लिए है कि शाम को अटैक किया, मर्डर किया, और जो उसका दीदी है चेरा अनी, मेरी भी बोला जाता है उनको, चेरा अनी को दोनों को लेकर के अनकॉन्शियस में पूरा उसको दाव से काट करके लेकर चला गया। न्यूरजुली मार्केट से होके ले गया, उसका घर न्यूरजुली ब्लेस टू में है, न्यूरजुली मार्केट लेकर के चला आया, न्यूरजुली पुलिस थाना को क्रॉस किया, दिक्रोंग रिवर उधर ब्रिज का सामने में पुलिस चेक गए तो उनको क्रॉस किया, दोईमुख पुलिस थाना को क्रॉस करके ले गया। एटलीस्ट चिल्ला सकता है बचाओ ये ऐसे है मार्केट में चिल्ला, वो भी गाड़ी होने से अलग स्कूटी में लेकर गया उसको, तीनों लेडी को आया, दो लेडी को स्कूटी में लेकर के किया। इसलिए कहीं ना कहीं मैं उसको भी हम लोग डाउट करता हूँ क्या वो इस मर्डर केस में कॉन्स्पेरेंसी है कि नहीं है, जैसे हमको भी फील करता है। उसको अभी डिटेल में पुलिस को हम आई रिक्वेस्ट कि एसपी साहब एंड हमारा केस का आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हम रिक्वेस्ट है कि उसको डिटेली आप इन्वेस्टिगेशन करने से अच्छा है पीआर मैनर में ना। और उस पुलिस का स्टेटमेंट एक बार प्रिंट मीडिया में एक बार हम देखा था, अरुणाचल टाइम्स में कहा में हम देखा कि ऐसे ऐसे ये होगा, उसको पब्लिक लोग का क्या एजम्पशन, हम भी पहले मालूम नहीं था, हमको भी मालूम, हम तो ये डेप्थ में मालूम, हम भी ये ऐसे समझ रहा था पुलिस का स्टेटमेंट को प्रेस में प्रिंट मीडिया में पेपर में देखने के बाद में, ये नाबुम लिंगदो हो सकता है वो अपना साली का साथ में इलिसिट रिलेशन में था इसलिए गुस्सा में मार दिया, ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट पुलिस ने दे के रख दिया। एंड थर्डली मेरा नाबुम इंटायर नाबुम फैमिली ऑफ द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ मैं बोल रहा हूँ, आप सब भी मालूम है, दुनिया मालूम है, नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी एंड वी आर इन सिविलाइज सोसाइटी, जो मर्डर करने वाला मर्डरर के लिए जो रेपिस्ट के लिए इस दुनिया में, उसके लिए ना जात होता है, ना क्लान होता है, ना कुछ उसका रिलीजियस होता है, कुछ नहीं होता है, मर्डरर इज मर्डरर, रेपिस्ट इज रेपिस्ट, जो क्राइमिनल है उसको क्राइमिनल क्राइम ही बोलना है, उसके लिए कोई जात बात नहीं होता है। मेरा एक क्लियर कट एक हमारा सिविल सोसाइटीज़ को हम अपील है, ये सारा चीज़ को इस प्रकार का जो केस इंसिडेंट को इस प्रकार का जो मैटर को हम लोग एकदम कड़ी से कड़ी शब्दों में उसको निंदा करना है, उसको कंडेम करना है, उसके लिए कोई वो नहीं, उसको कभी माने हम लोग हमारा एग्जिस्ट ही होने नहीं देना है सोसाइटी में, ये हमारा वो है अपील है। एंड एट द सेम टाइम आई अपील द किट एंड किन्स जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हमारा तबा संजय जो मर्डरर है उनका जो रिलेटिव्स है उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपना आपको प्रूफ करना चाहता है तो मर्डरर नाउ ही इज इन द जेल, उसको कानून जिस तरीका से सजा देना है लेट लो पनिश्ड, अपना विचार हिसाब से उसको पनिश करने दीजिए, कुछ दिन के बाद महीना साल के बाद आप हमारा बेटा है बेटी भाई भैया चाचा का रिलेटिव्स का नाम है आप जा करके उसको इन द प्रोसेस उसको बेल करेगा वो करेगा उसको मदद करेगा, क्योंकि वी विल ट्रीट यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉल्विंग दैट मर्डर केस, नाबुम यूथ एसोसिएशन उसको हम सीधा हम पकड़ेंगे, हम इशू बनाएंगे, इसलिए वो मर्डरर है क्रिमिनल है उसको उस हिसाब से कानून को हैंडल करने देना से अच्छा है, आप लोग उसको इंटरफेयर नहीं करने से अच्छा है, ये मेरा जो मैसेज अपील रहेगा जो हमारा सारा रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स ऑफ द तबा संजय। और ऐसे जोर ज़बरदस्ती बात में बोलने के बाद भी करेंगे, मैंने हमारा भाई को कानून कोर्ट थ्रो कोर्ट
कोर्ट का बाहर भी हमारा नाबुम फैमिली भाई को जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग ऐसे जोर जबरदस्ती करेंगे। हम लोग कभी सेकेंड थॉट नहीं लेगा, कभी हेजिटेट नहीं होगा। हम लोग कोर्ट का बाहर भी हम लोग भाई को जस्टिस दिलाने के लिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग वो करेंगे। मैं क्लियर कट दे आई रिपीट द फैमिली मेम्बर्स ऑफ दिस तबा संजय ऑन बिहाफ ऑफ इंतयार नाबुम फैमिली टुडे आई अपील। कोई उसको बेल बचाव के लिए, बेल लेने के लिए, ये करने के लिए, उसको सजा से बचाव करने के लिए, पनिशमेंट से आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए। अगर करता है तो कोर्ट का बाहर भी हम अपना भाई को हम जस्टिस दिलाने के लिए हम कुछ भी कदम उठा सकता है। क्लियर कट मैसेज है। मैं बता देता हूँ इसमें ऐसा क्लियरिफिकेशन, नाबुम लिंगदो जो है भैया का दीदी का साथ में शादी किया है, नाबुम लिंगदो जीजा जी हो गया और दीदी और जीजा हो गया, तो आना जाना दीदी और जीजा का रिलेशन में उसका घर में आना जाना करता है। एंड रोज बस्ती में एक बस्ती घर बनाया, ये तबा संजय जो भाई लिंगदो का नाबुम लिंगदो जो मर गया उसका घर में कुछ महीना भी बैठता है, बैठ करके अपना घर बना रहा था। हाँ ऐसा है, या मैं दीदी को नाबुम लिंगदो लिया, बहन को तबा संजू ने लिया अफेयर्स, ये है। तो उसमें शाम को तोरा जो का बीच में क्या बात हुआ वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। अचानक में बाई का घर में शाम का 6:15-10:15 में आकर के तीनों दो ये दीदी बहन और संजू तीनों जो थोड़ा बातचीत चल रहा था, आर्गुमेंट चल रहा था, बोला हॉट आर्गुमेंट, बाई जो निकाल करके दरवाजा से क्या हो गया, नेक्स्ट डे संडे होता है, संडे के लिए ऐसा एक इंटरव्यू होता है उसके लिए बाई प्रिपरेशन कर रहा था, दरवाजा से निकाल करके क्या हो गया, मैंने सिंगल वर्ड पूछने में उसको मार दिया, ये है। तो पुलिस को इसलिए क्लियरिफिकेशन यहाँ में है, पुलिस जो यहाँ में ये दीदी और जीजा दोनों संजय का लव अफेयर्स को ऑब्स्टेकल दे रहा था इसलिए मारा है। पुलिस का स्टेटमेंट ये है विच इज ए वेरी वेरी अनऑथेंटिक। लीगल मादर जो ये है, माँ पिताजी दोनों ने और लड़का का नेचर संजू का कैरेक्टर को दे करके वो तो टिक नहीं लगा, सेटिस्फाई नहीं लगा, पहले वो बोल दिया तो इसलिए वो अगेंस्ट किया था। लिंगदो और उसका दीदी ने कुछ उसमें रोल नहीं है, तो अननेसेसरी बीच में ये बाई को लिंगदो को संजू ने मार दिया। और ये ट्रूथ को विदाउट नोइंग द ट्रूथ पुलिस जो प्रेस रिलीज में दे दिया कि वो ऑब्स्टेकल दिया इसलिए उसको मार दिया। ये चीज़ को लेकर के हम लोग नाबुम फैमिली हम लोग थोड़ा सा दुखी में है, ये है क्लियर जो।